एनी के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जा सकते हैं उनका हम लोग शुरू करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है, जो हीमोलिटिक डिजीज़ पाई जाती हैं फीटस में, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हीमोलिटिक डिजीज़ होती है न्यूबॉर्न की, उनके बारे में बात करते हैं। हीमोलिटिक डिजीज़, तो ये तीन तरीके से अपने आप को क्या मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाता है, कंजनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न होता है। दूसरा क्या होता है, इक्टेरस ग्रेविस न्यूनेटोरम बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, हाइड्रोप्स फिटालिस, या इसी को क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे क्या होता है, हीमोलिटिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि जब मदर का ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है, या आरएच फैक्टर जो होता है, वो बेबी और मदर का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर मदर का ब्लड ग्रुप एक होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। एबी और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक क्या होता है, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, यानी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। दूसरा क्या होता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप ए या बी होता है, तो ऐसे केस में अगर क्या होता है, मदर और फीटस का ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है, तो मदर की बॉडी है वो ए और बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि फीटस का, तो उसके अगेंस्ट में क्या एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीटल आरबीसी जो है उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो अगर मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है और बच्चा जो है वो अगर आरएच पॉजिटिव होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब मदर और फीटस का ब्लड आपस में कॉन्टैक्ट में आता है, तो मदर फॉरेन बॉडी समझ के, मदर की जो बॉडी है वो बच्चे के अगेंस्ट, ब्लड के अगेंस्ट में क्या एंटीबॉडीज बनाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फीटल आरबीसीज जो है उनका क्या डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी कि हीमोलिटिक डिजीज होने लग जाती है बच्चे को, ठीक है। फिर नंबर ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन कितना क्या है, इस तरीके से उसके बेसिस पे ये अपने आप को तीन तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। कौन कौन सा? अगर माइल्ड डिस्ट्रक्शन है आरबीसी का, तो क्या है, ये कंजनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न के फॉर्म में शो करेगा, माइल्ड डिजीज होती है। इसके बाद दूसरा क्या है, अगर मॉडरेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, तो इसमें क्या होगा, इक्टेरस न्यूनेटोरम ग्रेविडम होता है, इक्टेरस ग्रेविस न्यूनेटोरम बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या मॉडरेट फॉर्म होता है, इसमें बच्चे को क्या पैदा होने के 24 घंटे के बाद क्या जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या फिर हाइड्रोप्स फिटालिस होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज जो है वो फीटल ब्लड के, फीटस के अगेंस्ट में बनती है, तो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी है वो क्या है, ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, हीमोलिटिक डिजीज है बच्चे में, वो अपने आप को क्या है, इन तीन फॉर्म में क्या है, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी दो हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। कंजनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न हो सकता है, इक्टेरस ग्रेविस न्यूनेटोरम हो सकता है, और तीसरा क्या है, हाइड्रोप्स फिटालिस या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो सकता है, ठीक है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में मदर का ब्लड ग्रुप ओ होगा, बच्चे का क्या होता है, ए या बी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या, आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जब वही मैंने बता दिया, प्रेग्नेंट मदर जो आरएच नेगेटिव है, बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो ऐसे में क्या होता है, मदर की बॉडी जो है बच्चे के अगेंस्ट में क्या इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनाने लगती है, और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फिर जो सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की कई बार क्या इंट्रायूट्राइन डेथ तक हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तीन कंडीशन थी। अच्छा, इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, तो क्या इसमें पॉलीहाइड्रमनियोस होने लग जाता है, उसके बाद क्या बच्चा जो होता है उसमें पैलर होता है, ठीक है, यानी कि एनेमिक कंडीशन जो वो दिखाई देगी, पैलर होगा। दूसरा क्या होता है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, इसकी वजह से क्या बच्चे में हिपैटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जॉन्डिस जो है वो हो सकता है बर्थ पे ना हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर या उसके बाद क्या होता है, जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन क्या होता है कि अगर सबसे पहले, जैसे मैंने बोला था कि कुछ क्या है, इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, जैसे सीबीसी कराते हैं, फिर एबीओआरएच कराते हैं, एचआईवी कराते हैं, एचबीएसएजी कराते हैं, वीडीआरएल कराते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, ये सब कुछ क्या है, रूटीन जाँच, थायरॉयड प्रोफाइल कराई जाती है। तो उसी में क्या होता है, जब हम लोग ब्लड ग्रुप कराते हैं, तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है निगेटिव में आता है, आरएच निगेटिव होता है, तो उस केस में क्या है, हम लोग एज्यूम करते हैं, और अगर फादर का क्या आरएच पॉजिटिव है, मेल पार्टनर का आरएच पॉजिटिव है और मदर का आरएच निगेटिव है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग प्रोफाइलैक्टिक जो है इम्यूनोग्लोबुलिंस होते हैं, ठीक है, आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, टाइम जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन देने का, वो क्या होता है कि एक तो क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, ठीक है, जैसे देखो, जो इसमें क्या होता है कि पहली वाली जो कंडीशन होती है,
जैसे जब फर्स्ट बेबी होता है तो उस समय पे क्या होता है, एंटीबॉडीज जो होती है अगर वो आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है तो उतनी ज़्यादा नहीं बन पाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है सेकंड कंसेक्यूटिव जो प्रेगनेंसीज होती हैं, सेकंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी है उसमें क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या है अवॉइड करने के लिए जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिंस के इंजेक्शन जो है वो आफ्टर डिलीवरी जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, मदर्स को, ठीक है। और अगर इनकेस पहले अबॉर्शन हो चुका है बच्चे का, मतलब पहले कोई मिसकैरेज हो चुका है या अबॉर्शन हो चुका है, तो जो फिर उसके बाद तब भी क्या होगा मदर में क्या है एंटीबॉडीज जो है वो पर्याप्त मात्रा में क्या बन चुकी होंगी, ठीक है। तो अबॉर्शन के बाद भी क्या होता है एंटीबॉडीज देनी होती हैं, और जो क्या कहते हैं डिलीवरी होती है उसके बाद भी क्या होता है एंटीबॉडीज देनी होती हैं, ठीक है, ये आरएच इम्यूनोग्लोबुलिंस होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो रहा है 12 वीक से पहले या 20 वीक से पहले तो 50 माइक्रोग्राम इम्यूनोग्लोबुलिंस जो है वो दिए जाते हैं, डोजेज होती है आईएम और आईवी देते हैं, वहाँ पर डोजेज आपसे कोई नहीं पूछेगा फिर भी मैं बता रही हूँ। और उसके बाद क्या होता है अगर 20 वीक्स के बाद है तो क्या होता है 100 एमसीजी होती है डोजेज की, आईएम और आईवी दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर क्या कहते हैं डिलीवरी के बाद जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है कि विद इन 72 आवर्स, ठीक है, अगर आरएच नेगेटिव मदर है और डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के बाद क्या कहते हैं विद इन 72 आवर्स में हमें क्या जो इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन है वो देना होता है, ठीक है। तो इसकी डोज होती है वो 300 माइक्रोग्राम होती है, ठीक है। तो 50 माइक्रोग्राम अगर अर्ली मिसकैरेज हो रहा है, ठीक है, 20 वीक से पहले हो रहा है जब प्रेगनेंसी जो है वो क्या 20 वीक से कम की थी, 100 माइक्रोग्राम अगर 20 वीक से ज़्यादा का बाद मतलब मिसकैरेज हो रहा है तो वो क्या रहेगा 100 माइक्रोग्राम रहेगा। और अगर इसके बाद क्या है फिर अगर क्या कहते हैं डिलीवरी हो रही है, पहला बेबी डिलीवर्ड हो गया है और उसके बाद क्या कहते हैं हमें विद इन 72 आवर्स क्या है 300 माइक्रोग्राम जो है वो देना होता है, ठीक है। अगर इन केस अगर 72 आवर्स के अंदर नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या है फिर हम इसे 28 डेज तक भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा ये रहता है कि हम लोग क्या है विद इन 72 आवर्स जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज जो है वो मदर को दे दें, ठीक है। इससे क्या होता है मदर के ब्लड में जो आरएच एंटीजन है उसके आरएच पॉजिटिव जो बच्चा था उसके अगेंस्ट में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में क्या एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि अगर एक बार एंटीबॉडी बन जाए तो फिर प्रेगनेंसी जो है उसमें खतरा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो तीन हीमोलिटिक डिजीजेस कैसे अपने आपको प्रेजेंट करती है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर फॉर्म में कंजनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न होता है, दूसरा इक्टेरस ग्रेविस न्यूनिटोरम होता है, और तीसरा क्या होता है हाइड्रोप्स फिटालिस या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है। डोजिंग भी मैंने बता दी कि मिसकैरेज जो है उसके बाद भी देंगे, 20 वीक्स से पहले तो 50 माइक्रोग्राम और 20 वीक्स के बाद 100 माइक्रोग्राम और डिलीवरी के बाद क्या है 300 माइक्रोग्राम विद इन 72 आवर्स देना होता है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं नहीं दिया है तो फिर 28 डेज तक भी क्या दे सकते हैं, ठीक है। आइडियल जो होता है 72 आवर्स होता है, ठीक है। और स्क्रीनिंग के टाइम पे पता ही कैसे चल जाता है, हम लोग ब्लड ग्रुप जो है अगर उसको चेक करेंगे तो हम उसमें डायग्नोस कर सकते हैं, अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये क्या था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और हीमोलिटिक डिजीज होती है न्यूबॉर्न की उसके बारे में था, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक कंडीशन होती है आईयूजीआर होता है, ठीक है। तो आईयूजीआर का मतलब क्या होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो अगर मदर में क्या है मेल न्यूट्रिशन है या फिर क्या कहते हैं मदर जो है वो स्मोक करती हैं या फिर एज ज़्यादा है या इस तरीके के कुछ कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है बच्चे में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उस जितने टाइम पीरियड का बच्चा है यानी एम्ब्रियो फीटस है तो उसकी ग्रोथ जैसे 7 महीने पे क्या 1.5 किलो वेट होना चाहिए बच्चे का तो उस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो जो होना चाहिए उस तरीके से जब बच्चे की ग्रोथ जो है वो फीट वूम में नहीं हो पाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है भाई डाइट वगैरह जो है वो मदर को प्रॉपर करनी होती है और प्रोटीन वगैरह का इंटेक बढ़ाना होता है ताकि क्या है प्रॉपर जो है वो बच्चे का ग्रोथ क्या है प्रॉपरली हो सके, ठीक है। फिर एक होता है आईयूडी होता है तो आईयूडी या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ का मतलब क्या होता है अबॉर्शन क्या होता है 20 हफ्ते से पहले अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर 22 वीक से पहले टर्मिनेशन है तो वो क्या होगा अबॉर्शन होगा, जबकि अगर क्या कहते हैं 20 वीक्स के बाद में डेथ हो रही है बच्चे की तो उसे क्या बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डेथ बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर 20 वीक्स क्या होता है अबॉर्शन होता है और 20 वीक्स के बाद में क्या होता है इंट्रायूट्राइन डेथ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ जैसे पॉलीहाइड्रोमनियोस एक कंडीशन होती है, पॉलीहाइड्रोमनियोस का मतलब क्या होता है जब जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो उसकी उस अमाउंट से क्या ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है फीटस के चारों तरफ क्या होता है फ्लूड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसे क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है जैसे क्या कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी वगैरह होता है उसमें ये कंडीशंस क्या होता है ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। इसी
तरीके से दूसरी कंडीशन होती है ओलिगोहेड्रोम्नियोस। ओलिगोहेड्रोम्नियोस का मतलब क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूड का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, जितना उसका नॉर्मल अमाउंट है उससे कम जो प्रोडक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओलिगोहेड्रोम्नियोस बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक दो टर्म है उन्हें आप लोग नोट कर लो, क्या कहते हैं, क्या जैसे कि एस्पर्मिया। ठीक है, तो एस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सेमिनल फ्लूड, यानी कि सेमिनल फ्लूड जो है वो है ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो एस्पर्मिया। ठीक है, फिर दूसरा होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या है, एब्सेंट स्पर्म, यानी कि क्या है, स्पर्म नहीं होगा। ठीक है, सेमिनल फ्लूड तो है लेकिन स्पर्म नहीं है। फिर ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि मतलब क्या, डिक्रीज्ड सेमिनल फ्लूड। ओलिगोस्पर्मिया क्या होगा, डिक्रीज्ड सेमिनल फ्लूड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट। ठीक है, फिर इसके बाद होता है नेक्रोस्पर्मिया, यानी लॉस ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो क्या है नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया का मतलब क्या, लॉस ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्म होता है, कि स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन जो उनका जो शेप होता है, जो साइज होता है, वो क्या है, वो प्रॉपर नहीं है। तो टेरेटोस्पर्मिया एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेक्रोस्पर्मिया लॉस ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ओलिगोजूस्पर्मिया डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट, एस्पर्मिया एब्सेंस सेमिनल फ्लूइड, एजोस्पर्मिया एब्सेंट स्पर्म, ओलिगोजूस्पर्मिया डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कुछ पॉइंट है अगर वहाँ पे जैसे वो पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा के बारे में मतलब जानते हैं कि ये क्या है, जो डेवलपिंग फीटस है वो क्या है, अपना जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, जो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है फीटस का, वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, मदर में जाता है और फिर क्या, मदर की बॉडी से पास होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फीटस, वो क्या है, मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, बच्चे को जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट जो होता है वो 500 ग्राम होता है एट टर्म। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूड की अगर बात करें, तो एमनियोटिक फ्लूड जो है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूड ये क्या होता है, बच्चे के चारों तरफ क्या है, पाया जाता है। और इसी की दो कंडीशन मैंने बता दी, कौन कौन सी, पॉलीहाइड्रोम्नियोस होता है और क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोम्नियोस होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूड की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या होता है, तीन महीने पे 50 ml होता है, 5 महीने पे 400 ml होता है, और क्या होता है, नाइन मंथ पे मतलब टर्म पे क्या होता है, 900 ml होता है, जो नॉर्मल इसका अमाउंट होता है। इससे 50-100 ml जो ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो कोई बात नहीं होती, बट जब ज़्यादा हो जाता है तब फिर क्या होता है, पॉलीहाइड्रोम्नियोस और ओलिगोहाइड्रोम्नियोस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो नाइन मंथ में क्या होता है, 900 ml होता है इसका। ठीक है, और अम्बाइलिकल कॉर्ड में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें क्या, दो आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। ठीक है, तो अम्बाइलिकल कॉर्ड में क्या होता है, दो आर्टरीज होंगी और क्या, एक क्या वेन होती है। जो प्लेसेंटा है उसको आयुर्वेद में क्या है, अपरा कहा जाता है, उल्वा कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या है, कोरिलेशन किया गया है। ठीक है, जैसे गर्भिणी के जो गर्भ का आहार है उसके लिए क्या बोला है, कि गर्भ का जो पोषण होता है वो माता के क्या, उपस्नेह और उपस्वेद से होता है। ठीक है, 3 महीने तक, और उसके बाद क्या होता है, जो अपरा का निर्माण होता है फिर उसके द्वारा होता है। ठीक है, फिर जो टोटल वेट गेन होता है, मैम वो 500 बताया था, कब बताया था, कौन से मंथ में, टर्म पे होता है मैम, एट टर्म, जब फुल टर्म होता है 9 मंथ हो जाते हैं, तो प्लेसेंटा का वेट जो होता है 500 ग्राम होता है। और जो टोटल वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो नियर अबाउट, नहीं हाँ वो हाइड्रो, हाँ नियर अबाउट क्या होता है, 11 kg होता है। ठीक है, जो टोटल वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कितना होता है, 11 किलो के आसपास जो है मदर में क्या होता है, वेट गेन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या, एमिनोरिया जो है ये तो सारे ट्राइमेस्टर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एमिनोरिया होता है, फिर उसके साथ में क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। ठीक है, और इसके साथ में क्या होता है, कुछ फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। 8th से 12th वीक में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होता है, ब्रेस्ट में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं कि हाँ ये क्या अर्ली साइंस होते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं ये जो सिम्टम्स है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, नौजिया वॉमिटिंग और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है वो क्या सबसाइड कर जाती है। नॉर्मली जो नौजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा रहती है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या ये ठीक हो जाती है। ठीक है, क्विकनिंग होती है, क्विकनिंग का मतलब क्या है, फीटल फीलिंग ऑफ लाइफ होती है, बच्चे को क्या घूमता हुआ या फड़कता हुआ नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो वो मूवमेंट फील होता है। तो जो प्राइमरी यानी पहली बार मदर होती है उनमें क्या 18 वीक्स में दिखाई देता है, और जो मल्टीपैरा होती है उनमें क्या होता है 16 वीक्स में ये दिखाई देता है। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या होता है, लीनियर नाइग्रा। लीनियर नाइग्रा क्या होता है कि डार्क वर्टिकल लाइन होती है, मतलब ये जो अम्बाइलिकल रीजन होता है तो ये अम्बाइलिकस से लेके क्या होता है ये एब्डोमेन पे ये अपीयर करती है, ठीक है। नियरली क्या 20th वीक पे ये प्रेगनेंसीज में शो होना शुरू होती है, ठीक है। तो ये लीनियर नाइग्रा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या फीटल हार्ट साउंड, जैसे हम लोग जब सुनते हैं तो फीटल हार्ट साउंड भी क्या हम लोगों को आराम से क्या सुनाई देने लग जाता है स्टेथोस्कोप का यूज़ करके, ठीक है, या फिर डॉपलर का यूज़ करके हम लोग क्या फीटल हार्ट साउंड जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलती हैं। और लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्या इंक्रीज कर जाती है, फीटल मूवमेंट जो है वो क्या ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फीटल मूवमेंट क्या ज़्यादा अच्छे से पता चलने लग जाते हैं, ठीक है। और यूट्रस का जो शेप है वो क्या होता है सिलेंड्रिकल होता है, मतलब इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। और 36 वीक्स पे क्या होता है स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। इंगेजमेंट ऑफ हेड जो है जो फंडल हाइट होती है 32 और 36 वीक्स पे क्या 32 वीक्स पे और 40th वीक पे सेम होती है। फंडल हाइट जो होती है 32 वीक्स पे और 40th वीक पे, तो पता कैसे लगाते हैं कि 32 वीक्स है 40th वीक है अगर यूएसजी वगैरह नहीं है। 32 वीक्स पे जब हम लोग परवर्जाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हेड क्या है फ्लोटिंग होता है, जबकि 40th वीक पे क्या होता है हेड जो है वो इंगेज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी यूएसजी कैसे कब कराते हैं ये सारा कल सब कुछ मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है उसको डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है अल्ट्रासाउंड होता है, यूएसजी होता है, ठीक है। तो यूएसजी का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड क्या होता है यूएसजी होता है, ठीक है। और जो फीटल लंग मैच्योरिटी होती है वो देखने के लिए क्या होता है एमनियोसिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है एमनियोसिंथेसिस कराया जाता है, ठीक है। बाकी जो है आई थिंक सारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अब कवर कर दिए गए हैं, और शायद ही अब कुछ रह गया हो, मतलब जैसे अब वैसे तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है गायनी और ऑप्स जो है तो पूरी चीज़ें तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जितना मतलब ज़रूरी था वो सारा सब कुछ मैंने जो है वो आप लोगों को बता दिया है। इसी में यूट्रस जो है तो यूट्रस में क्या होता है बॉडी ऑफ द यूट्रस होती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है इम्प्लांटेशन होता है। फिर क्या होता है सर्वाइकल कैनाल होती है, ठीक है। ये क्या है वजाइना और जो सर्वाइकल कैनाल है वो क्या वजाइना और सर्विक्स को क्या है यूट्रस से कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर क्या होता है सर्विक्स होती है लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस होता है। एंडोमेट्रियम यूट्रस की क्या तीन लाइनिंग होती है, कौन कौन सा एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो सबसे क्या होता है इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्रस में क्या होता है फेलोपियन रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन बता रही हूँ मैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है। फिर क्या होता है फेलोपियन ट्यूब होता है, इसमें ही क्या होता है एम्पुलरी स्थिमिक जंक्शन जो होता है वहाँ पे क्या होता है एग और स्पर्म का क्या फ्यूजन होता है, ठीक है। फंडस जो होता है जहाँ से क्या होता है नॉर्मली क्या होता है अटैच होता है प्लेसेंटा अटैच होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया के अलावा। और मायोमेट्रियम क्या होती है जो सेकंड वॉल होती है यूट्रस की मस्कुलर वॉल होती है, और पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर मोस्ट वॉल जो होती है यूट्रस की वो होती है, ठीक है। तो ये क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो और ओवरी जो होते हैं वो जहाँ पे क्या ओवम का फॉर्मेशन होता है और ओवम ओवरी उसके बाद क्या फिम्ब्री जो होता है यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब का वहाँ फिम्ब्री जो होते हैं वो जब ओवुलेशन होता है और ओवम निकलता है तो उसके बाद क्या फिम्ब्री के थ्रू वो ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुँचता है और एम्पुलरी स्थिमिक जंक्शन पे क्या वेट करता है जहाँ पे स्पर्म्स उसका फ्यूजन होता है, उसके बाद वो फिर मूव करते हुए यूट्रस में आता है, वहाँ पे उसका क्या इम्प्लांटेशन होता है और फिर इस तरीके से प्रेगनेंसी क्या है आगे बढ़ती है, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे यूट्राइन कार्सिनोमा जो है तो यूट्राइन कार्सिनोमा होने का जैसे मतलब जो सर्विक्स का जो कार्सिनोमा होता है उसकी मोस्ट कॉमन एज जो है वो 40 से 50 साल होती है, ठीक है। तो सर्वाइ अगर कभी भी कोई ऐसी पेशेंट आती है अगर वहाँ पे वो कोई एक इस तरीके से देते हैं क्वेश्चन बना के कि आपके पास एक 40 से 50 साल की या बोलते हैं मीनोपॉजल एज की पेशेंट या 40 साल 50 साल 55 साल या 45 साल की कोई एक पेशेंट आ रही है और उसमें क्या होता है ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे रही है, वो बता रहे हैं कि उनको क्या ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप जैसे देखते हो तो क्या सबसे पहले डायग्नोसिस उसमें बनाओगे, तो नॉर्मली क्या होता है मेनोपॉज की स्टेज होती है तो इसमें क्या होता है ब्लीडिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है या एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो हो रही है वो अगर हो रही है तो ये सबसे पहले हमें किसकी तरफ इंडिकेट करता है कार्सिनोमा की तरफ हमें सोचना है, ठीक है। और इसका भी कंफर्मेटरी क्या हो जाता है जब ब्लीड ऑन टच होता है, जैसे अगर हम लोग पीवी करते हैं परवजाइनल एग्जामिनेशन करें और जैसे ही टच करेंगे वैसे ही क्या ब्लीडिंग की अगर शुरुआत हो जाती है ब्लीड ऑन टच हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है ये कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स जो है उसकी तरफ क्या है और ज़्यादा इंडिकेट करता है। फिर इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन भी होती है CA125 कराया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कैंसर के डिटेक्शन के लिए होता है CA125 जो है वो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होता है, ठीक है, वो कराया जाता है। तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स होने की जो मोस्ट कॉमन एज है वो क्या 40 से 50 साल होती है, ठीक है, ठीक। और यूट्रस का कार्सिनोमा जो है उसके लिए भी उसको क्या सार्कोमा ऑफ यूट्रस बोला जाता है, तो उसकी भी यही एज होती है, मतलब कैंसर होने की जो कॉमन एजेस है वो क्या 40 से 50 साल होती है फीमेल्स में, ठीक है।
जो कॉमनेस्ट कार्सिनोमा होता है सर्विक्स का, वो क्या होता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। हालांकि वो आपसे वहाँ इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ, कॉमनेस्ट कार्सिनोमा जो होता है वो क्या होता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब जो है उसके चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से? इन्फंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है, और क्या होता है? यूट्राइन पार्ट या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। तो इनफंडिबुलम, उसी से क्या होता है? फिम्बरी लटक रहे होते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या? ओवरी के पास वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद होता है एम्पुला, फिर उसके बाद होता है इस्थमस, और जो सबसे यूट्रस के पास वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? यूट्राइन या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, ठीक है। यूट्रस का शेप कैसा होता है? पायरीफॉर्म होता है, पायरीफॉर्म शेप होता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं उसमें आयुर्वेद में अपने क्या बताया गया है कि क्या कहते हैं, योनि जो है उसकी आकृति क्या है? शंख नाभि आकृति, है ना। और यूट्रस को क्या मत्स्य तालु के समान बताया गया है, ठीक है। तो इसका क्या शेप क्या होता है? पायरीफॉर्म शेप होता है यूट्रस का। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे गायनी के। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन पूछ ले, फिर उसके बाद हम लोग जो इंटरव्यू है उनको शुरू करते हैं।